नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि यहाँ पर संधारित्रों को जोड़ना है। कभी कभी विद्युत परिपथों में वांछधारिता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो संधारित्रों को परस्पर जोड़ने की दो विधियां प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसमें पहली है श्रेणी संयोजन। तो यहाँ पर पहले हम लोग श्रेणी संयोजन देखेंगे, यानी कि जब संधारित्रों को श्रेणी संयोजन में जोड़ते हैं तो किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये इसका परिपथ बनाया गया है। यहाँ पर ये तीन संधारित्र लिए गए हैं। तीनों संधारित्रों की धारिताएं आप मान लेना, पहले की C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए ध्यान दीजिए, ये पहला संधारित्र है और प्रत्येक संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। तो ये पहला संधारित्र हुआ, इस पर दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए संधारित्रों में, जैसे पहला संधारित्र दिया तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तीन संधारित्र यहाँ पे लिए गए। आप यहाँ पे तीन, चार, जितने भी संधारित्र हों उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन संधारित्र लिया है केवल। तो अब याद रखना आप लोगों, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ना है, और फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ना है। तो इसमें यह लिखा गया पहले कि माना प्रयुक्त तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। तो ये अभी आपको जो बताया गया वही यहां पर आपको लिख देना है। अब इसके बाद तो यहां पर धारिताएं ली गई हैं तीनों संधारित्रों की, C1, C2, C3। आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश हमेशा समान होता है। तो धारिताएं C1, C2, C3, आवेश हो जाएगा आपका Q, और विभवांतर मान लेना है आपको तीनों का V1, V2 और V3। तो यहां पर लिखा गया है कि प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर का सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर Q बाई C, ये सूत्र होता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये प्रथम संधारित्र के प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर V1 और धारिता हो जाएगी पहले संधारित्र की C1। आवेश जो होता है वो सभी का समान होता है, तो इसलिए यहां पर Q ही रहेगा। इसके बाद फिर द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा V2 बराबर Q/C2, इतना हो जाएगा। इसको आप पहले वाले को मान लेना समीकरण नंबर 1, और ये वाला हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद तृतीय संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो जब तीसरे संधारित्र का लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा V3 बराबर Q/C3, इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद अतः जब कुल विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब यहां पर V1, V2 और V3 के मान आपको समीकरण 1, 2 और 3 से रखना है, तो फिर ये हो जाएगा V बराबर V1 का मान हो जाएगा Q/C1 प्लस V2 का मान हो जाएगा Q/C2 प्लस V3 का मान हो जाएगा Q/C3। अब इसके बाद इसमें तीनों में आवेश Q कॉमन हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे फिर आप V बराबर Q कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद जब Q हम लोग दूसरी तरफ लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, यहां पर गुणे में दिया है, यानी कि इसको लिख सकते हैं V/Q बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना हो जाएगा। इसके बाद सूत्र होता है C बराबर Q/V, ये आपको बताया गया था पहले पार्ट में। तो यहां पर ध्यान दीजिए, C बराबर दिया है Q/V। अगर इसको हम लोग 1/C लिख दें तो यहां पर जब 1/C लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा V/Q।
इतना हो जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, v बट्टे क्यू बराबर है 1 बट्टे सी। तो यहां पर v बट्टे क्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टे सी बराबर हो जाएगा 1 बट्टे सी वन प्लस 1 बट्टे सी टू प्लस 1 बट्टे सी थ्री। तो ये श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए तुल्यधारिता का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद यदि संधारित्रों की संख्या n हो, यानी कि जहां पर तीन संधारित्र लिए गए थे वहां पर अगर संधारित्रों की संख्या कितनी हो, तो n, तो फिर संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा 1 बट्टे सी बराबर 1 बट्टे सी वन प्लस 1 बट्टे सी टू प्लस 1 बट्टे सी थ्री इंटू प्लस डॉट डॉट 1 बट्टे सी एन। तो जितने भी संधारित्र होंगे उन सभी के व्युत्क्रमों का योग जो है तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसमें पहला नोट पॉइंट है कि श्रेणी संयोजन में आवेश समान होता है, यानी कि श्रेणी संयोजन में आवेश जो होता है हमेशा समान होता है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो Q बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि आवेश जो होता है वो नियत रहता है। और फिर आवेश यानी Q का सूत्र होता है सी वी, तो सी वी बराबर भी लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट, यानी कि सी वी भी नियत हो जाएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं सी प्रोपोर्शनल टू 1 बटे वी, यानी कि धारिता जो है वो विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहां से अगर हम लोग सूत्र बनाएंगे तो ये बन सकता है सी वन बटे सी टू बराबर, यहां पे ध्यान दीजिए विभव जो दिया है वो बटे में दिया, तो इसको फिर लिखेंगे तो वी टू बटे वी वन। तो ये धारिता और विभवांतर का एक सूत्र आ जाएगा, इससे ये बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा नोट पॉइंट, सूत्र होता है यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहां पर क्यू जो है नियतांक हो जाएगा, तो जब क्यू नियतांक हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं यू प्रोपोर्शनल टू 1 बटे सी, ये नियतांक हो गया बटे में दिया है सी, तो जब नियतांक हटाते हैं तो यहां पे लगता है प्रोपोर्शनल टू, तो ये बन जाएगा यू प्रोपोर्शनल टू 1 बटे सी। यानी कि इससे ऊर्जा और धारिता में अगर संबंध लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर यू वन बट्टे यू टू बराबर, धारिता को लिख सकते हैं आप सी टू बट्टे सी वन। तो ये ऊर्जा और धारिता में संबंध हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला है कि श्रेणी क्रम का उपयोग तुल्य धारिता को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि श्रेणी संयोजन का जो प्रयोग किया जाता है वो धारिता को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूसरा है समांतर संयोजन, तो समांतर संयोजन के लिए यहां पर ये परिपथ बनाया गया है, इसमें भी तीन संधारित्र लिए गए, तीनों संधारित्रों की धारिताएं मान लेते हैं सी वन सी टू और सी थ्री है। तो समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए ध्यान दीजिए तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से संबंधित कर दिया गया है और दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से संबंधित कर दिया गया है। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है इसको बोलते हैं समांतर संयोजन। तो इसमें पहले लिखा गया है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रयुक्त संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु पी तथा समस्त दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु क्यू पर संबंधित किया जाता है। जैसे कि भी आपको बताया गया था कि श्रेणी क्रम में सदैव आवेश समान होता है, उसी तरह समांतर क्रम में सदैव विभवांतर समान होता है। तो यहां पर आपको प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश निकालना है, उसमें पहले विभवांतर निकाला गया था, आवेश समान था, और इसमें जो है विभवांतर समान है तो आपको आवेश निकालना है। तो यहां पर जब प्रथम संधारित्र के लिए निकालेंगे तो आवेश का सूत्र होता है क्यू बराबर सीवी, ये आवेश का सूत्र हो गया प्रथम संधारित्र के लिए, इसलिए यहां पे क्यू वन और यहां पर हो जाएगा सी वन। इसके बाद फिर द्वितीय संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तो ये हो जाएगा फिर क्यू टू बराबर सी टू वी। इसके बाद तृतीय संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तो फिर ये हो जाएगा क्यू थ्री बराबर सी थ्री वी। इसके बाद आवेश संरक्षण के नियम से, तो आवेश संरक्षण का नियम होता है क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। तो यहां पर जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर Q बराबर Q1 का मान अभी निकाला गया था, तो Q1 का मान था C1V, तो यहां पर हो जाएगा C1V प्लस Q2 का मान हो जाएगा C2V और प्लस Q3 का मान हो जाएगा C3V, इतना हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे दिया गया क्यू, तो क्यू की जगह पे आप लिख सकते हैं सीवी बराबर, इन सभी में वी कॉमन हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। यहां पर वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो जब वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहां पर बचेगा सी और इधर आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो ये समांतर संयोजन में धारिता का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद यदि संधारित्रों की संख्या n हो, तो संधारित्रों की संख्या n होगी तो फिर सूत्र हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू डॉट डॉट CN। तो ये समांतर संयोजन की कुल धारिता का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद इसमें पहला नोट है कि समांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है, यानी कि समांतर संयोजन में जो विभवांतर होता है वो समान होता है, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं V बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि विभव का मान जो होता है वो नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब विभव नियत होता है तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है Q बराबर CV। तो यहां पर विभव नियत हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू C, और Q प्रोपोर्शनल टू C लिखेंगे तो इससे सूत्र बनेगा फिर क्यू वन बट्टे क्यू टू बराबर सी वन बट्टे सी टू। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नोट पॉइंट, सूत्र होता है यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पर विभव जो है नियत है, तो इसको आप लिख सकते हैं यू प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि ये सूत्र बनेगा यू वन बट्टे यू टू बराबर सी वन बट्टे सी टू। उसके बाद अगला है कि समांतर क्रम का उपयोग तभी करते हैं जब तुल्य धारिता बढ़ानी होती है, यानी कि समांतर क्रम का प्रयोग तुल्य धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और श्रेणी क्रम का प्रयोग तुल्य धारिता को घटाने के लिए किया जाता है।